आपको पता है कि दुनिया में क्या चीज कॉन्स्टेंट है जो हमेशा से रह रही है, मतलब जब से दुनिया बनी है और अभी तक आप आज इस 2019 में हम पहुंचे हैं। तो चलें, इस बात का जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगा, अभी थोड़ा से और चीज को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक कंपनी स्टार्ट होती है आज से तकरीबन तकरीबन कोई 200 साल पहले या 150 साल पहले, ठीक है। और वो कंपनी चलते चलते जब वो 2014 तक पहुंचती है तो दो कंपनी का जो सेलिंग का बजट है वो सालाना जो है 12 बिलियन यूरो से जो क्रॉस कर जाता है। उस कंपनी की जो सेल्स हैं वो 150 मुल्कों के अंदर हैं और जो उसके मुलाजमीन हैं वो तकरीबन 61,000 हैं दुनिया भर में। और उस कंपनी के जब उसका जो सीईओ होता है वो जो कॉन्फ्रेंस करता है 2014 में 2014 में अपनी एनुअल सेल्स पे, उससे बात नहीं होती, उससे बात नहीं होती और उसके आंसू आना शुरू हो जाते हैं। बहरकैफ वो कहता है कि मुझे ये बात बताते हुए आप लोगों को बड़ी जो है वो तकलीफ हो रही, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मैं बात किस तरह से आपके सामने रखूँ। और वो बात ये है कि मैं ये जो कंपनी है उस कंपनी को मैं क्लोज कर रहा हूँ, उस कंपनी को मैं बंद कर रहा हूँ, उस कंपनी की जो सेलिंग है जो उसके शेयर्स हैं वो मैं सेल कर रहा हूँ, उसके साथ साथ ही जो कंपनी को शायद हमें मर्जिंग की तरफ लेके जाना पड़े। हमसे कोई गलती नहीं हुई, हमारी जो क्वालिटी में किसी को कोई शक नहीं है, हम बेहतरीन क्वालिटी दे रहे हैं, हर चीज ईमानदारी से प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमसे कुछ ऐसी गलती हो गई है कि अगर वो गलती हमें इतने अभी तक जो है उस गलती ने हमें डबो दिया एक तरह से। और वो जानते हैं वो गलती क्या है, उन्होंने कहा कि सीईओ कहते हैं कि हमने अपने आप को अपनी कंपनी को वक्त के साथ अपडेट नहीं किया। तो वो कंपनी पता है कौन सी है, वो कंपनी है वो नोकिया की कंपनी। यकीनन आप में से अगर ये वीडियो सुन रहे हैं कभी ना कभी कोई ना कोई आपने नोकिया का जरूर मोबाइल यूज किया होगा। तो उन्होंने कहा कि हमने जिस कंपनी को मर्जिंग की तरफ लेके जा रहे हैं या सेलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, कंपनी को खत्म कर रहे हैं, वो सिर्फ एक वजह है और उसकी वजह यह है कि हमने वक्त के साथ साथ इस कंपनी को अपडेट नहीं किया। तो थोड़ा सा अगर आप इस चीज पे थोड़ा सा गौर करें देखें, तो अभी जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कि ये बताएं कि दुनिया में कांस्टेंट चीज कौन सी है, तो पता है कांस्टेंट चीज कौन सी है, दुनिया में जो चीज कांस्टेंट है उसका नाम है चेंज। मींस के आप जब भी चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी चीज कोई भी जगह और एक चेंज को एक्सेप्ट करती है तभी वो दुनिया में रह सकती है। आपने डायनासोर का नाम सुना होगा, यकीन तौर पे उसकी मूवीज देखी होंगी, पिक्चर्स में बहुत सारा देखा होगा, लेकिन वो आज इतने ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद आज दुनिया में मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, कॉकरोच पता है आपको, कॉकरोच जो है ना ये हजारों साल पुराना जो है ना ये एक आप इसे कह लें कि इंसेक्ट है। तो ये जो है इसने ये क्यों अभी तक जिंदा रह रहा है, तो जब साइंटिस्ट ने इसकी भी थोड़ी सी रिसर्च की, थोड़ा देखा भाई क्या हो गया, क्यों जिंदा रह रहे हो और रहते भी सबसे गंदी जगह पर, तो जिंदा कैसे रह रहे हो, तो उन्होंने एक बात बताया, कहा कि ये इसीलिए है कि ये हर तरह के माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मिसाल कुछ ऐसे ले लें, अगर आपको कोई चीज बनानी है या किसी चीज की मार्केटिंग करनी है और आज जो है आप वो जनाब जो है वो ढोल, पहले जमाने में ऐसा होता था कि गले में ढोल लटकाया हुआ है और भाई राजा जी की जय वाली जो है वो ढोल बजाते हुए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई राजा जी की जय और ये आज का ये ऐलान है, ये ऐलान है, तो क्या आप समझते हैं कि वो चीज जो है पॉपुलर हो पाएगी, क्या वो एक मजाक ही बन जाएगा। इसके साथ साथ ही कोई कहे कि भाई मैं तो ये करता हूँ कि मर्सिडीज के मुकाबले में जो है ना मैं एक नया घोड़ा लॉन्च कर देता हूँ। आपको पता है कि आज से बहुत सालों पहले, सदियों पहले, 400 500 600 साल पहले जो सबसे ज्यादा जो हमारे पास एक सवारी के लिए बेहतरीन चीज होती थी वो घोड़ा होती थी, ठीक है ना। आज कोई कहे कि भाई मैं मर्सिडीज के मुकाबले में या मैं जो है ना प्राडो के मुकाबले में 2019 का नया घोड़ा लॉन्च कर रहा हूँ, तो ये कैसा लगेगा, जाहिर सी बात है एक जोक से बढ़कर कुछ नहीं लगेगा भाई। वो क्या स्पीड है उसकी, वो क्या चीज है, अलग चीज है, क्योंकि जमाने के साथ साथ अपडेट करना है, साथ चलते रहना है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा ना, मैंने आपको नोकिया की मिसाल दी, अब कोडक को ले लें, कोडक को भी 2010 का कोडक बिल्कुल ठप होके रह गया, अभी आपको शायद ढूंढने से उसकी नहीं मिलेगा। बहुत एक वक्त तक उसने इंडस्ट्री में इतना जबरदस्त राज किया कि वो कहते हैं कि अगर ऊपर आसमान है तो नीचे कोडक था, क्योंकि इंडस्ट्री में उसके टक्कर का कोई था नहीं और जिसको प्रॉफिट हो रहा था जिस तरह से वो चल रहा था, ग्रोथ कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, वक्त के साथ साथ अपडेट नहीं किया। नोकिया ने एंड्रॉयड को लिया नहीं, वक्त के साथ साथ अपडेट नहीं किया। अब दुनिया में जितनी कंपनीज देख लें जो चल रही हैं वो इसीलिए चल रही हैं कि वक्त के साथ अपडेट नहीं, अपडेट कर रही हैं ऑटोमेटिक, जो नहीं चल रही या वो पीछे रह रही हैं। अब देख लेना किसी को भी,
मैं अगर अपना वर्क कर रहा हूँ, अगर मैं आपको अपने आप को वक्त के साथ अपडेट नहीं करता हूँ, जिस तरह से वक्त के रिक्वायरमेंट्स उस हिसाब से लेके नहीं चलता हूँ, तो होगा क्या? आज तो ये चीज़ नहीं है, आज तो ये ठीक है, लेकिन जब टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली मैं माइनस पे होना शुरू हो जाऊंगा, और एक वक्त आएगा तो जो है बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा। अच्छा होता ये है, कोई भी चीज जो है ना एकदम से खत्म नहीं होती, उसके पीछे पूरी जो है ना एक कमेटी चलती है। मेरा ये फॉर्मूला है, मैं हमेशा एक एक चीज को वो कहता हूँ कि हम जो कोई भी वर्क करते हैं ना, इवन हमें किसी को गिलास पानी भी देते हैं या अपडेटिंग करने के लिए कुछ भी, वट एवर कुछ भी करते हैं, तो एक तरह की कमेटी है, और उस कमेटी ने एक टाइम तक खुलना होता है, ठीक है ना। अगर आपने अगर आप अब मिसाल के तौर पर वक्त के साथ अपडेट की बात ही करें, कुछ लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, कुछ लोग पान खा रहे थे, और उनसे कहा जाए कि भाई ये नहीं करो, भाई आप ये ना पे ना करें, इससे जो है ना आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपकी गुर्दे फेल हो सकते हैं, ये हो। वो कहते हैं कि भाई हम तो 8 साल से पी रहे हैं, हम 9 साल से पी रहे हैं, हम 10 साल से, हमें कुछ नहीं हुआ। तो भाई उन्होंने वो एक कमेटी डाली हुई है, वो जब कमेटी एक वक्त पे खुलेगी तो जो होना होगा फिर वो हो जाएगा, वो किसी को बताने के लिए रुकेगा नहीं। तो सिंपली ये है कि हमें अपने आप को जो है वक्त के साथ अपडेट रखना है, वरना तो देख लें भैया, हम डायनासोर ज्यादा जो वो ताकतवर तो है नहीं, ठीक है, और ना हम कॉकरोच जैसे हैं, अगर हम 1,000 साल जियेंगे तो न रहेंगे। तो सिंपली ये है कि हम अपने आप को वक्त के साथ अपडेट रखें, अपनी नॉलेज को रखें अपडेट, हम अपने जो अर्निंग के, लर्निंग के, मोटिवेशन के सोर्सेज हैं इस दुनिया में रहने के लिए, जो जो हमें अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, जो जो हमें नॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहिए, पैशन की तरफ जो हमें जाना चाहिए, उसके साथ साथ हम अपने आप को अपडेट रखें कि नया मार्केट में क्या लॉन्च हो रहा है। देखें ना, मिसाल के तौर पर अगर ये कहूँ कि हम 4 दिन पुराना सॉक्स नहीं पहनते, हम 1-2 दिन पुराने कपड़े नहीं पहनते, लेकिन भैया हमारी जो सोचे हैं ना, वो आप समझ लें कि पता नहीं 20 साल से पुराने की दर्ज पे चलते ही आ रही हैं। जो हम 10 साल पहले सोचते थे, किसी जो परसेप्शन बनी थी किसी चीज के बारे में, भाई उसे अपडेट कर लें, उसमें मसला क्या है? अपडेट तो कर सकते हैं आप, सीख सकते हैं आप, इसमें कोई नई पुरानी बात ही नहीं है। इंसान तो हमेशा सीखता रहता है, और इंसान का मतलब निसियान, निसियान का मतलब क्या है कि इंसान मतलब भूलने वाले, मतलब एक इंसान जो है ना भुलक्कड़ है, भुलक्कड़ मखलूक है, इसमें तो आप उसके लफ्ज से ही आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई सीख लें कोई चीज, ऐसे लोगों से कनेक्ट रहें, ऐसे सोर्सेस को पकड़ें, ऐसे वेज को फाइंड आउट करें। हम जो है ना एक अच्छा खाना खाने के लिए, हमें पूरी मार्केट के अंदर एक अच्छे बर्गर वाला, एक अच्छे खाने वाले, एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाता है, लेकिन भैया हो क्या रहा है कि हम अपने आप को, अपनी सोच को अपडेट करने के लिए हम सालों महीनों देखते रहते हैं कि भैया हमें कोई बंदा ही नहीं मिल रहा, हमें कोई अच्छी किताब नहीं मिल रही। तो ये जो तड़प है, जो प्यास है ना, बंदे के अपने अंदर होती है, जो बंदे के अपने अंदर होती है ना, तो बंदा डायरेक्ट जाके एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके जम करता है सिंपली। तो भाई माइंड करने की बात नहीं है, सिंपल से क्लैरिटी की बात है ये, थोड़ा सा अपने आप को किसी ट्रैक पे लेके आए, तो जब आप प्रॉपर ट्रैक पे लेके आएंगे तो यकीनी तौर पे जब आपको एंडिंग पॉइंट होगा उस टाइम के बाद, आप उस मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने जाना हैदराबाद और आप क्वेटा वाली बस से बैठ जाएं और आप बैठे रहें और आप कोसते रहें, कहते रहें कि मंजिल नहीं आ रही हैदराबाद में, तो भाई वो कभी भी नहीं आएगा। तो सही मंजिल तक पहुंचने के लिए सही ट्रैक का होना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। हार्ड मेहनत से ज्यादा स्मार्ट मेहनत बहुत जरूरी है, और वो भी सही डायरेक्शन पे। थैंक यू, मैं हूँ बिलाल उम्मीदवार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आप किस तरह से अपडेट हुए अपने आप को, अपने रखा हुआ है तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।